some organizations may employ the use of a project portfolio. A portfolio kya bulaya ji? To effectively manage multiple programs and projects that are underway at any given time. यहाँ क्या चीज है जी? तो पोर्टफोलियो क्या बोले? पोर्टफोलियो अगर मैं आपको वैसे समझाऊं तो यूं समझ लीजिए कि फर्ज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, अभी प्रोग्राम को थोड़ी देर भूल जाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट चल रहे हैं बहुत, मतलब पहले तो दो चार ही हुआ करते थे, अब जरा हमारे यहाँ अवेयरनेस ज्यादा आ गई है तो अभी कोई 25-30 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है, जो मेरा चीफ है, सीईओ है, If he wants to keep a tab के ये प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, तो वो किससे पूछेगा? अभी पीएमओ का नाम ना लीजिएगा, पीएमओ अभी नहीं बना, अभी पीएमओ की मैं बात नहीं करने वाला, पीएमओ एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुनियादी तौर पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स, तो हम कहेंगे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ये 30 प्रोजेक्ट पे मुश्तमिल है, भले वो प्रोजेक्ट आपस में रिलेटेड हो या ना हो, मटेरियल उससे कोई मकसद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है और मैं यहां पर इसकी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, किसमें पैसे डाल रहा हूँ, किसमें निकाल रहा हूँ, तो ये हिसाब किताब सारा ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो ये तो एक तो बात होगी, सारे प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो पोर्टफोलियो में आ गए। ऐसा भी है कि अगर प्रोग्राम्स भी तो होंगे ना ऑर्गेनाइजेशन के, All the projects and all the programs running within the organization are the organization portfolio. ये आपकी organization का project portfolio है, all the projects and all the programs. और अगर ज्यादा complexity है, आपने अपने project portfolio को further subdivide कर रखा है, सब portfolio या subsidiary portfolio बना रखे हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं हमारी पूरी organization को, जैसे सुई वाले हैं, सुई northern है, सुई southern है, उन्होंने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक पोर्टफोलियो नॉर्थ का बना दिया, एक साउथ का बना दिया। ये ज्योग्राफिकली भी हो सकता है, ये टेक्निकली भी हो सकता है, ये किसी भी तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं, एरिया वाइज कर सकते हैं, जैसे मर्जी करें आप। तो उन्होंने दो पोर्टफोलियो बना दिए और उनको हर पोर्टफोलियो के अंदर अपने अपने प्रोग्राम और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो एक पोर्टफोलियो इज डिफाइंड एज प्रोजेक्ट होंगे, प्रोग्राम होंगे, सब पोर्टफोलियो होंगे और कुछ ऑपरेशन भी होगा पोर्टफोलियो चलाने का बंदोबस्त। पोर्टफोलियो जैसे प्रोग्राम का, मैंने कहा ना 20-25 साल प्रोग्राम होता है तो वो तो पूरी इंस्टीट्यूशन की तरह चलता है, तो पोर्टफोलियो तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम में तो फिर खत्म हो जाना है, पोर्टफोलियो तो परमानेंट स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम आते रहेंगे जाते रहेंगे, पोर्टफोलियो एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब है पोर्टफोलियो का तो बाकायदा ऑपरेशन होगा। सो ऑपरेशंस मैनेज एज अ ग्रुप टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सब पोर्टफोलियोज हैं और कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो पोर्टफोलियो का पार्ट है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक जो है ना फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव उनको अचीव करता है कि जी पैसा कितना है, रिसोर्सेज कितने हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स में पैसा लगाया जाए, कौन से पे ना लगाया जाए, इसका ताल्लुक ज्यादातर पैसों से है, ये पोर्टफोलियो है।